अभी मेरे पास में एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, वो लिखते हैं कि उन्होंने 9 से 10 ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा? क्या पूरी तरीके से सिविल खराब होगा या नहीं होगा? तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने ऐसी किसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और आपने उसका रिपेमेंट नहीं किया है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो RBI से ऑथराइज नहीं है, और बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो RBI से ऑथराइज हैं। जो RBI ऑथराइज NBFCs के साथ में एप्लीकेशन ज्वाइंट है, RBI ऑथराइज एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन लिंक्ड है, अगर आपने उनसे लोन लिया है, आपने उनका अब तक रिपेमेंट नहीं किया है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका जो सिविल है वो 100% खराब होगा। लेकिन अगर आपने ऐसी किसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले लिया है जो कि पूरे तरीके से RBI से ऑथराइज नहीं है, फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है, तो उनका अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो 1% भी आपके सिविल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसे बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं जो लगातार हमें कमेंट करते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, सर हमने ऐसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है जो कि पूरे तरीके से RBI से ऑथराइज हैं, 9 से 10 एप्लीकेशन से हमने लोन ले लिया है, हम उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हद से हद वो एप्लीकेशन करेगी क्या? तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में पैसा है तो आप उस लोन एप्लीकेशन का, जिनसे भी आपने लोन लिया है जो RBI से ऑथराइज हैं, पैसा दे करके अपना पीछा छुटा लो। अगर आपके पास में पैसा पूरे तरीके से नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली स्थिति वीक हो चुकी है, तो आप 1 भी रुपया ना दें, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी लोन एप्लीकेशन जो RBI से ऑथराइज है, जिन्होंने आपको 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इवन 10,000 रुपये तक के लोन दिया है, उसका आप भुगतान नहीं करोगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं बनेगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ दिक्कत परेशानी इतनी बनेगी कि आपके ऊपर पूरे तरीके से ये सिविल पर ही इंपैक्ट डाल सकते हैं, ना ही आपके ऊपर कोई केस करेंगे, ना ही आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होगा। अगर आपने ऐसी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जो RBI से ऑथराइज है, आपके पास में पैसा है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 1 रुपया मत दो, कुछ नहीं होगा, राइट? अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि हम अपने कंटेंट को दिन प्रतिदिन बेहतर कर सकें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें पूरी तरीके से कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, आप हमें एक्स के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। हमने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑनलाइन हेल्प चाहते हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं, तो देखिए उनके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। उनके लिए पेड सर्विस में क्या होगा, उनको टेलीफोनिकली हेल्प की जाएगी, मतलब उनके पास हम कॉल करेंगे और उनकी जो भी परेशानी है उसको समझते हुए उनकी हम पूरे तरीके से हेल्प कर देंगे। लेकिन इसके लिए तो आपको एक हमें मिनिमम सा चार्ज भी पे करना पड़ेगा, ये हमारी एक पेड सर्विस है। इसको लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है, फिर आपके इशू को देखते हुए हम आपको एक अपॉइंटमेंट डेट दे देंगे जिस डेट पर हम पूरे तरीके से फ्री हैं, और टेलीफोनिकली आपको हम हेल्प कर देंगे ऑन कॉल, जिस अपॉइंटमेंट की आपको डेट मिलेगी उसी अपॉइंटमेंट डेट पर, ठीक है, कॉल करके। और अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ईमेल करना नहीं जानते, तो उनके लिए भी हमने फैसिलिटी शुरू कर रखी है, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, व्हाट्सएप में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इशू जो है वो आप लिखें, आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट कर दिया जाएगा। और किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, ईमेल, कमेंट और एक्स के जरिए सूचित कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।